तीन दिन पहले ही अपनी पत्नी और बच्चों के कत्ल की तैयारी कर ली थी। वो बाजार से मीट काटने वाला चाकू खरीद कर लाया था। उसने दूध में नींद की दवा मिलाकर अपनी पत्नी और बच्चों को पिला दिया और फिर आधी रात सोते वक्त गला काटकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। दिल्ली के मेहरोली में हुए साल के सबसे दर्दनाक हत्याकांड के कई हैरान करने वाले सच अब सामने आ रहे हैं। उसने पत्नी के गले पर चाकू लगाया। पत्नी बोली, ये क्या कर रहे हो? पति बोला, अरे मजाक कर रहा हूं। अगली रात पत्नी बच्चों सबका गला काट डाला। वो आखिरी नोट के दो शब्द साल की सबसे दर्दनाक मर्डर मिस्ट्री का सच क्या है? 7 साल की बेटी, 5 साल का बेटा और 40 दिन की बच्ची। क्या हुआ होगा जब उसने पहले पत्नी का गला काटा होगा? क्या हुआ होगा जब उसने 7 साल की बेटी का गला रेता होगा? क्या हुआ होगा जब 5 साल के बेटे के गले को अपनी हाथों से काट डाला होगा? क्या हुआ होगा जब 40 दिन की बच्ची को गोद में लेकर उसके गले पर चाकू लगाया होगा? ऐसी खौफनाक मर्डर मिस्ट्री न हमने अब तक देखी है न सुनी है, और न आपने देखा या सुना होगा। जिसने भी यह खौफनाक तस्वीर देखी उसकी रूह कांप उठी। जिसने भी इस हैवानियत के बारे में सुना उसका दिल दहल उठा। राजधानी दिल्ली समेत पूरा हिंदुस्तान इस दरिंदगी से थर्रा उठा है। दिल्ली में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जिसमें दिल्ली के मेहरोली में एक पिता ने अपने न सिर्फ 3 मासूम बच्चों को बल्कि अपनी पत्नी को चाकू से गला काट कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हालांकि एक ओपन और शट केस है, लेकिन समझ की बात यह है कि पेशे से टीचर रहा वो पिता अपनी ही जिंदगी के किताब के पन्नों को समझने में नाकामयाब रहा है। और ये एक बड़ा संदेश इसलिए भी देता है और सवालों के घेरे में इसलिए भी है कि क्या एक पिता इतना निराश हो सकता है कि वो अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दे? कौन है ये हत्यारा बाप? क्योंकि उसने ये हैवानियत कब और कैसे उसने इस खूनी घटना को अंजाम दिया? इन तमाम सवालों पर आने से पहले 2 तस्वीरें दिखाते हैं आपको। देखिए, ये तस्वीर उन्हीं 2 मासूम बच्चों की है जिन्हें पिता ने बेरहमी से गला रेत कर मार डाला। पिंक टी शर्ट और ब्लैक चश्मे में ये 5 साल का मासूम और उसके साथ 7 साल की बहन। इन दोनों मासूमों को सपने में भी ये अंदाजा नहीं होगा कि जिस पिता ने उन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनकी हर जरूरत और शौक को पूरा किया, वही बाप एक दिन इतना बड़ा हैवान बन जाएगा कि सोते वक्त उनका गला काट डालेगा। दरिंदे बाप ने 40 दिन की उस दूध मुही बच्ची को भी नहीं बख्शा जो मां के पास लेटी थी। उस मासूम ने तो अभी अभी आंखें खोलकर इस दुनिया को देखना शुरू किया था। जो घर कभी उसकी मासूम किलकारियों से गूंजा करता होगा, उसी घर की दरो दीवार में उसकी आखिरी चीख दम तोड़ गई। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यही है वो हत्यारा बाप उपेंद्र शुक्ला, जिसने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। देखिए, क्या इस चेहरे को देखकर आप सोच सकते हैं कि यह शख्स इतना बड़ा शैतान बन सकता है? इस तस्वीर में आरोपी के साथ उसकी पत्नी अर्चना शुक्ला भी है, जिसके गले को पति ने काट डाला। इन दोनों तस्वीरों को देखकर सरसरी तौर पर तो यही लगता है कि यह परिवार बेहद खुशहाल और तनाव मुक्त रहा होगा, लेकिन पति के दिमाग में क्या चल रहा था इसकी भनक किसी को नहीं लगी। काश पत्नी 3 दिन पहले कुछ समझ पाती। सूत्रों से खुलासा हुआ है कि 3 दिन पहले वो बाजार से मीट काटने वाला चाकू लाया, रात में पत्नी के गले पर मीट काटने वाला चाकू लगाया। पत्नी हंसते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? पति हंसते हुए बोला, अरे मजाक कर रहा हूं।
तीन दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा। मर्डर से पहले क्या हुआ? सूत्रों से पता चला है वो बाजार से 2 लीटर दूध लाया, वो बाजार से नींद वाली गोलियां लेकर आया, दूध में नींद वाली गोलियां मिलाकर सबको पिला दिया। जब गहरी नींद में सब आ गए तो पहले पत्नी का गला काटा, फिर 7 साल की बेटी के गले को बेरहमी से काटा, फिर 5 साल के बेटे को बेदर्दी से काटा, फिर 40 दिन की बच्ची को गोद में रखकर काट डाला। वक्त शुक्रवार रात 1 बजे, जगह मेहरौली, दिल्ली। यही वो वक्त और जगह है जब एक पिता अपनी पत्नी, 7 साल की बेटी, 5 साल के बेटे और 40 दिन की बच्ची का गला रेत रहा था। हत्या करने के बाद दरिंदे बाप ने क्या किया? हैरानी की बात यह है कि पत्नी और तीनों बच्चों की बेरहमी से हत्या करने के बाद भी ये दरिंदा बाप वहां से भागा नहीं, बल्कि उसी कमरे में खून से सनी लाशों के बीच बैठा रहा। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए हिंदी और अंग्रेजी में 2 नोट्स भी लिखे। मौके से बरामद नोट्स में उपेंद्र ने लिखा है, अपनी पत्नी और तीनों बच्चों के कत्ल मैंने किए हैं, इसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। जिस वक्त ये हत्यारा अपने परिवार को मौत के घाट उतार रहा था, उस वक्त इसी फ्लैट के दूसरे कमरे में उसकी सास भी सोई हुई थी, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं चला। रात बीतने के बाद सुबह उसने दरवाजा खटखटाया, पर दरवाजा नहीं खुला। फिर पड़ोसी आए, उन्होंने भी दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, कामयाबी नहीं मिली, तो पुलिस को फोन किया गया। और जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा खुलवाया तो अंदर की तस्वीर देखकर सबकी रूह कांप उठी। समीक पूछताछ की गई है, जिसमें इसने बताया कि इसने ये वारदात की है। हमें दो, एक हिंदी में लिखा हुआ और एक अंग्रेजी में लिखा हुआ एक छोटा नोट भी मिला है, जिसमें इसने जिक्र किया कि मैंने अपने वाइफ और तीनों बच्चों को मार दिया है और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। अभी तक मोटिव जो है, ऐसा लग रहा है कि इसकी वाइफ को डायबिटीज़ था, वो काफ़ी दिनों से बीमार रहती थी और ये फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं था। अब सवाल उठता है कि उपेंद्र ने इतना खौफनाक कदम क्यों और कैसे उठाया? इसे जानने से पहले ये समझ लीजिए कि उपेंद्र करता क्या था, कैसे होता था उसका और परिवार का गुजर बसर। उपेंद्र शुक्ला पेशे से एक टीचर था, वो साइंस का होम ट्यूशन दिया करता था। ट्यूशन से वो महीने में 50 से 60 हजार रुपए कमा लेता था, मतलब ये कि वो महीने में ठीक ठाक कमा लेता था। बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, उसके पास कोई पक्की नौकरी नहीं थी, उस पर पत्नी अर्चना भी बीमार रहा करती थी। बताया जा रहा है कि अर्चना को डायबिटीज की बीमारी थी, जिसके इलाज पर काफी पैसे खर्च हो रहे थे। ऐसे में कयास ये लग रहे हैं कि एक तरफ पत्नी की बीमारी और दूसरी तरफ बच्चों की परवरिश के दबाव में उपेंद्र डिप्रेशन में आ गया था और उसी तनाव की वजह से उसने इतना खौफनाक कांड कर डाला। सुबह 6 बजे मेरे पास कॉल आई ऊपर से कि ऐसे वहाँ पे 4th फ्लोर पे मिस्टर उपेंद्र जी रहते हैं, तो उनके घर से काफ़ी शोर शराबा हो रखा है। तो फ़ोन किया गया, 100 नंबर पर कॉल की गई, 10 मिनट बाद पुलिस आई, पुलिस ने गेट खोला, वहाँ पे 4 बॉडीज बरामद हुई, जिनमें 3 बच्चे थे, एक महिला थी, जिसमें कि महिला और तीनों बच्चों का गला काट के हत्या की गई है। लेकिन इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस चाकू से उपेंद्र ने पत्नी और तीनों बच्चों की हत्या की, वो कोई साधारण चाकू नहीं, बल्कि मीट काटने वाला बड़ा चाकू है। 3 दिन पहले वो चाकू लाया था और पत्नी के गले पर लगाया भी था। पत्नी ने पूछा भी था कि ये क्या कर रहे हो, तब वो बोला था, अरे मजाक कर रहा हूँ। लेकिन अर्चना को क्या पता था कि ये मजाक नहीं, बल्कि आने वाले खौफनाक सच की तैयारी थी, जिसे वो नजरअंदाज कर बैठी। हत्या की रात दूध लाना, उसमें नींद वाली गोलियां मिलाकर सबको पिला देना और फिर गहरी नींद में सबका गला काट देना। मतलब साफ है कि उपेंद्र ने यह कदम अचानक या गुस्से में नहीं, बल्कि पूरे होशो हवास में सोच समझ कर पूरी प्लानिंग के साथ उठाया। लेकिन ये भी सच है कि वो हत्या के बाद वहां से भागा नहीं, बल्कि अपने इकबालिया जुर्म के साथ मौके पर ही मौजूद रहा। अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है और कत्ल के पीछे असली वजह क्या थी, ये पूछताछ के बाद ही सामने आ पाएगा। दिल्ली से दिव्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
News 24। बताया जा रहा है कि कत्ल की रात उस घर में आरोपी उपेंद्र की भतीजी भी मौजूद थी, जो उपेंद्र की सास के साथ कमरे में रहती थी, पर सुबह सुबह वो क्लास के लिए निकल गई थी। बहरहाल पत्नी और तीन बच्चों के इस बेरहम हत्याकांड ने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को दहला दिया है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर वो कौन सी वजह रही जिसके चलते इस दरिंदे ने अपनी पत्नी और तीन मासूमों को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की अब तक की तहकीकात में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक आरोपी उपेंद्र शुक्ला डिप्रेशन से पीड़ित था, वो डिप्रेशन का मरीज था। वो घर की खराब माली हालत और पत्नी की बीमारी से बेहद परेशान था और इसीलिए उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। पर जितनी तैयारी और होशियारी से उपेंद्र ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या तीन बच्चों और पत्नी का हत्यारा डिप्रेशन में था? क्या मानसिक तनाव की वजह से बाप बना हत्यारा? मेहरौली मर्डर कांड के पीछे साजिश या दिमागी बीमारी? तीन मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारने वाला, अपनी पत्नी को बेरहमी से मारने वाले जल्लाद के सामने ऐसी कौन सी वजह थी कि उसने इतनी खौफनाक घटना को अंजाम दे डाला? ये सवाल पुलिस के लिए भी सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। पुलिस अब तक ये नहीं समझ पाई है कि आखिर कातिल ने पूरे परिवार को इतनी बेरहमी से क्यों मारा। फिलहाल पुलिस के सामने तीन थ्योरी है। पहली थ्योरी, डिप्रेशन में पत्नी और बच्चों को मारा। कातिल उपेंद्र शुक्ला के पड़ोसियों और जानकारों का कहना है कि वो खराब माली हालत से जूझ रहा था। उसकी आमदनी कम थी और खर्चा ज्यादा। उपेंद्र ट्यूशन लेकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पाल रहा था, पर पत्नी अर्चना की बीमारी ने उसे तोड़ दिया था। अर्चना को डायबिटीज की बीमारी थी जिसके इलाज पर काफी पैसे खर्च हो रहे थे, जिससे परिवार में तनाव बढ़ता जा रहा था। पर सवाल है कि क्या कोई शख्स सिर्फ इतने डिप्रेशन में इतना खौफनाक कदम उठा सकता है? जाहिर है 50 से 60 हजार रुपए महीने का कमाने वाले उपेंद्र की हालत इतनी भी बुरी नहीं थी कि वो डिप्रेशन में आ जाए और वो इस कदर अपनी ही पत्नी को, अपने ही बच्चों को मौत के घाट उतार दे, वो भी इतनी बेरहमी से, इतनी प्लानिंग से, इतनी होशियारी से। दूसरी थ्योरी, गुस्से में खौफनाक कदम उठाया। पुलिस इस मामले में इस एंगल से भी तहकीकात कर रही है कि कहीं कातिल बाप ने किसी गुस्से में या नफरत की वजह से तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया, क्योंकि जिस तरह उसने बारी बारी से, बड़ी बेरहमी से अपनी पत्नी और बच्चों का गला चाकू से काटा, उससे तो यही लगता है कि उसके अंदर परिवार को लेकर कोई भयानक गुस्सा रहा होगा। पर इस थ्योरी में दम नहीं दिखता। अव्वल तो उपेंद्र के पड़ोसियों और जानकारों का कहना है कि उपेंद्र बेहद शांत स्वभाव का और सोच समझ कर कदम उठाने वाला इंसान था। कभी किसी ने उसे घर परिवार में किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा। गुस्सा था तो 3 दिन पहले मीट काटने वाला चाकू क्यों खरीदा? दूध खरीद कर उसमें नींद की दवा क्यों मिलाई? सोते वक्त ही परिवार वालों के गले पर चाकू क्यों फेरा? क्योंकि गुस्से में उठाया गया कोई भी कदम अचानक लिया जाता है, उसके लिए इतनी प्लानिंग और सोची समझी तैयारी नहीं होती। और अगर गुस्से में उसने आपा खोया होता तो हत्या के बाद वो मौके पर मौजूद नहीं रहता, नोट्स लिखकर अपना जुर्म कबूल नहीं करता। चाकू का उपयोग करना बहुत बड़ी बात है, और जिस तरीके से बच्चों को मार देना और अपनी बीवी को मार देना, तो ये कहीं ना कहीं किसी चीज को प्रूव करता है, पॉसिबल है कि ये एक होमिसाइडल सुसाइड, जो लोग कई बार कहते हैं वो भी पॉसिबल है, या इसके अंदर है कि सीधा कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। तीसरी थ्योरी, पति पत्नी के रिश्ते में खटास। पुलिस इस मामले में एक तीसरी थ्योरी को लेकर भी तहकीकात कर रही है, और वो ये कि कहीं पति उपेंद्र शुक्ला का अपनी पत्नी अर्चना से किसी मामले को लेकर कोई अनबन तो नहीं थी, उनके रिश्ते में किसी तरह की कोई खटास तो नहीं थी। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसी हत्याओं में पति या पत्नी के जिंदगी में कोई तीसरा शख्स भी शामिल होता है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस परिवार में ऐसी कोई बात कभी देखने को नहीं मिली। अगर ऐसा होता तो पति पत्नी के बीच
झगड़े या मारपीट जैसी घटना हुई होती, जबकि घटना के वक्त घर में मौजूद उपेंद्र की सास का भी यही कहना है कि दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर सवाल उठता है, क्या उपेंद्र शुक्ला की मानसिक हालत ठीक नहीं थी? क्या उपेंद्र परिवार की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो गया था? क्या उपेंद्र पत्नी की बीमारी से परेशान हो गया था? क्या वाकई उपेंद्र की माली हालत खराब हो गई थी? क्या उपेंद्र ऐसी पारिवारिक जिंदगी से ऊब गया था? लेकिन अगर उपेंद्र को जिंदगी से शिकायत होती तो पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद उसने खुद को भी खत्म कर लिया होता। अगर वो नई जिंदगी शुरू करने की सोच रहा था तो हत्या के बाद मौके से फरार हो गया होता, यानी ऐसा कुछ भी नहीं था। एक बात और, उपेंद्र शुक्ला बिहार के चंपारण का रहने वाला था और दिल्ली में रहकर अपना और परिवार का गुजर बसर कर रहा था। ऐसे में मुमकिन है कि वो महानगर की तनाव भरी जिंदगी का सामना नहीं कर पाए। ये चीजें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं और इसका जो बेसिक कारण है ऐसी चीजें बढ़ने का, वो है सोशल प्रेशर। जितना हमारी सोसाइटी में एक प्रेशर आ रहा है आसपास की चीज़ों का, वो प्रेशर हम अपने ऊपर डालते हैं, वो हम अपनी फैमिलीज की एक्सपेक्टेशन से जब मैच नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें अंजाम होती हैं। बहरहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मुमकिन है उपेंद्र से पूछताछ के बाद कुछ चौंकाने वाले सच सामने भी आ जाएं, पर वो पत्नी, वो तीन मासूम बच्चे अब इस दुनिया में कभी लौट कर नहीं आएंगे, जिन्हें उन्हीं के पालनहार ने मौत की नींद सुला दिया। दिल्ली से दिव्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।